उज्जैन में पटेल अंबेडकर की मूर्ति का विवाद 15 साल पुराना। दोनों समाज ने रामलला की स्तुति मिलकर की, दो दिन बाद हिंसक झड़प। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। उज्जैन जिले के माकडोन में मूर्ति लगाने का विवाद 15 साल पुराना है। यहाँ मंडी गेट के सामने चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की भी मांग हो रही है। गुरुवार को एक पक्ष ने गैर कानूनी तरीके से चौराहे पर सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी कर दी। दूसरे पक्ष ने कानून हाथ में लेते हुए ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे गिरा दिया। फिर महिलाओं पुरुषों ने मूर्ति पर चढ़कर पत्थर लाठी और रॉड मारते हुए आग लगा दी। इस हिंसक झड़प को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। इससे ठीक दो दिन पहले 22 जनवरी को सभी ने इसी चौराहे पर साथ आकर रामलला की स्तुति की थी। विवाद कब से है, क्यों है, हिंसा कैसे भड़की, दैनिक भास्कर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की। तीन समाज के लोगों ने परिषद में दिया था मूर्ति लगाने का प्रस्ताव। माकड़ोन नगर परिषद के अध्यक्ष आशाबाई के प्रतिनिधि गोकुल राठौर ने बताया है कि मंडी गेट के सामने मूर्ति लगाने का विवाद नया नहीं है। ये विवाद 2009 से चला आ रहा है। 2009 में भी परिषद का गठन हुआ था। चौराहे पर राजपूत समाज महाराणा प्रताप, पाटीदार समाज सरदार वल्लभ भाई पटेल और हरिजन समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं। राठौर बताते हैं कि तीनों समाज ने नगर परिषद में मंडी गेट के सामने मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विवाद होने की आशंका के चलते प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। माकडोन परिषद में 15 पार्षद हैं, इसमें से 11 बीजेपी और 4 कांग्रेस के हैं। आखिर तीनों समाज के लोग इसी चौराहे पर मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में नगर परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह गुज्जर कहते हैं, मंडी गेट के सामने का चौराहा शहर के बीच में है, यही वजह है कि तीनों पक्ष इसी जगह पर मूर्ति लगाना चाहते हैं। तड़के मूर्ति स्थापित 2 घंटे बाद बिगड़ गया माहौल। माकड़ोन में करीब 11,000 की आबादी है, इनमें 5,000 पाटीदार और 4,000 के करीब दलित समाज के लोग हैं। 2,000 लोग अलग अलग समाजों से हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को सभी ने साथ मिलकर मंडी गेट के सामने चौराहे पर भगवान राम की पूजा की थी। बुधवार रात तक सब ठीक था। गुरुवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच किसी ने चौराहे पर सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित कर दी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह 5:30 बजे बाजार खुलना शुरू हुआ, लोगों की नजर मूर्ति पर पड़ी। इसके 1 घंटे बाद ही 6:30 बजे भीड़ जुटना शुरू हो गई। महिला पुरुष बच्चे जय भीम के नारे लगाते हुए मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। इतने में एक युवक ट्रैक्टर लेकर आया और मूर्ति पर चढ़ा दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।